ये है दिल्ली दर्पण। जो चुनाव हैं या जो नेता हैं, बिजनेस माइंडेड ज्यादा हो गए। अब चुनाव जो है कुछ व्यापारिक हो गया। पहले सामाजिक होता था, लोगों से प्यार करते थे, मेल जोल करके रखते थे, तो जैसे ही रैली होती थी अपने आप पब्लिक उठ के आती थी। आज पब्लिक को उठाना पड़ता है। अब उनकी आपस की लड़ाई है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो ये तो अब उसकी लड़ाई आप जैसे वजीर पुण्यश्री में है, एक सभा सिर्फ इसलिए कैंसिल करनी पड़ी कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा ना, ये तो उनकी आपस की दोनों की है। अब तक कितनी कैंसिल हो चुकी सभा? नहीं, हमारी एक ही कैंसिल हुई थी जो इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन उसकी जगह फिर हमने परसों रात को उसी जगह पर दोबारा मीटिंग की और बहुत सफल मीटिंग की। शंकर गुप्ता जी को कांगड़ा की सीट का प्रभारी बनाया हुआ है, अनंत शर्मा जी के यहाँ वो गए हुए हैं, और उनके गुट के जो लोग हैं वार्ड अध्यक्ष हैं, उनको सबको मैंने फ़ोन करके बुलाया है, वो सारे आ रहे हैं। कल भी थे, कल भी उनके साथ मीटिंग की गई है। जितने भी जो हरिशंकर गुप्ता जी ने मेंबर बनाए हुए हैं सब के सब लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वजह है जिसकी वजह से हम ये कहें कि वो लोग काम नहीं करें। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली लोकसभा चुनाव के हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली का मूड क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं और माहौल क्या है वो भी हम दिखा रहे हैं। तो एक रंग हम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं, जो चांदनी चौक के कांग्रेस प्रत्याशी है जयप्रकाश अग्रवाल। बहुत रणनीतिक रूप से वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिनका मानना है कि जो 3 विधानसभाएँ हैं वहाँ पर वो भारी लीड लेकर के निकलेंगे और बाकी जो 6 से 7 विधानसभाएं हैं यहाँ पे पूरा फोकस किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जीत का मार्जिन है बीजेपी का उसको कम किया जाए और यहाँ से विजय हासिल किया जाए। लेकिन यहाँ उन्हें क्या जमीन मिल पा रही है? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपसी झगड़े, आपसी मनमुटाव और गुटबाजी कांग्रेस चुनाव को प्रभावित कर रही है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल बंधु, यहाँ से पूर्व विधायक, पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपचंद बंधु के पुत्र हैं और इस अभियान में जयप्रकाश अग्रवाल के चुनाव का एक अहम हिस्सा भी है। और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गुटबाजी जयप्रकाश अग्रवाल के चुनाव को बाधित कर रही है। अनिल बंधु जी, मैं देख रहा हूँ कि कभी वो किसको मनाते हैं, कभी किसको मनाते हैं, एक मंच पर आ नहीं पाते, खासकर आम आदमी पार्टी, कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, काफ़ी गुटबाजी दोनों ग्रुपों में है, रही है अब, लेकिन काफ़ी दिन हम उसको धीरे 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 एक लाइन पर ले आए हैं। अब ऐसी कोई गुटबाजी, जो थोड़ी बहुत गुटबाजी तो रहती है, लेकिन ऐसी कोई गुटबाजी अब हमारे बीच में नहीं है। और भगवान ने चाहा तो हम बहुत अच्छी वोटों से यहाँ से भी, इस विधानसभा से भी जीत कर निकलेंगे। ओवरऑल जो यहाँ की जो नॉर्थ दिल्ली की है, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, त्रिनगर, सपूर बस्ती, वजीरपुर, इन सब में क्या हाल है? मैं अपने वजीरपुर की बता सकता हूँ। वजीरपुर में हम जय कॉलोनी, क्लस्टर्स, शहीद सुखदेव नगर, चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी, सावन पार्क, जेलर वाला बाग, इन सब क्लस्टर्स में बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। और जो थोड़ा बहुत प्रभाव भाजपा का अशोक विहार या केशवपुरम में है, उसको हम न्यूट्रल करके भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी वोटों से हम जयप्रकाश अग्रवाल जी को यहाँ से लेके निकलेंगे। जहाँ तक बात है बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, शालीमार बाग में भी वंदना कुमारी जी मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वहाँ पर भी हम जीत कर ही निकलेंगे। बाकी रही इसकी आजादपुर वाली साइड की, उसका मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग मुकेश गोयल जी और मंगत राम सिंगल जी, जो मुझे पता लगा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ भी हम लीड ले लें। नहीं, अब मैं भी वजीरपुर में ही रहता हूँ और आप तो वजीरपुर के कोने कोने से कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए, आज जुड़े हुए हैं। आपका एक चुनाव था कि रेले का रेला निकलता जब उनके आपकी पदयात्रा होती थी, लेकिन वो माहौल, वो उत्साह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये जयप्रकाश जी की उम्र का असर है
या फिर जो जैसा कि आपने बताया गुटबाजी है उसकी वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना गुटबाजी की वजह से है, ना जयप्रकाश अग्रवाल जी की उम्र की वजह से है। ये एक ओवरऑल माहौल है। आज 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 की तारीख में जो पहले लोग थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, लोग उनके साथ जुड़े रहते थे, अब वो असर धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि जहाँ जो मैं खुलकर अगर बात करूँ तो अब अपनी जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि जो चुनाव हैं या जो नेता हैं जो भी लड़ते हैं वो बिजनेस माइंडेड ज़्यादा हो गए। अब चुनाव जो है कुछ व्यापारिक हो गया, पहले सामाजिक होता था, लोगों से प्यार करते थे, मेल जोल करके रखते थे, तो जैसे ही रैली होती थी अपने आप पब्लिक उठ के आती थी। आज पब्लिक को उठाना पड़ता है, व्यापारिक हो गया, इस वजह से थोड़ा ये हम जो देख पा रहे हैं ये सारा असर उसी का है। कार्यकर्ता जब आता है छोड़ करके अपने काम धाम कारोबार, वो एटलीस्ट पानी पीने की तो उम्मीद करता है, जो बताया जा रहा है कि भाई अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कार्यकर्ता क्यों आएगा? नहीं ऐसा नहीं है, तो ये तो जिसने भी आपको खबर दी है गलत दी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कार्यकर्ता की पूरी इज्जत करते हैं, और जो भी कार्यकर्ता आता है, कम से कम मैं तो, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ इस इलाके से, और मैं एक एक कार्यकर्ता को भी जानता हूँ और उनके मूड को भी जानता हूँ, और मेरे को उनके बारे में सब कुछ मालूम है। दो तीन सभाएं हुई हैं जैसे महाराजा अग्रसेन भवन में हुई, वहाँ पर राजेश गुप्ता जो विधायक हैं और जो निगम पार्षद हैं विकास बोल रहे हैं, काफ़ी जम करके कहा सुनी हुई, जो आयोजक हैं अग्रवाल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई आप चले जाओ। तो एक तो वहाँ पर खराब आप तो थे वहाँ पे, यहाँ मैं था, लेकिन मेरा इस बारे में कमेंट करना स्वामी जी ठीक नहीं है, क्योंकि ये उनकी पार्टी का मामला है। नहीं, नहीं, उनकी पार्टी का मामला, लेकिन परेशान तो दिक्कत तो आपको भी? हाँ दिक्कत आई, इसमें कोई शक नहीं है, वो उस मीटिंग में हमें काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से वो मीटिंग हमने की और राजेश गुप्ता जी आए उस मीटिंग में, उन्होंने उस मीटिंग को संभाला। अब उनकी आपस की लड़ाई है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये तो अब उसकी लड़ाई आप जैसे वजीर पुण्यश्री में है, एक सभा सिर्फ इसलिए कैंसिल करनी पड़ी कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा ना ये तो उनकी आपस की दोनों की है। अब तक कितनी कितनी कैंसिल हो चुकी सभाएं? नहीं हमारी एक ही कैंसिल हुई थी जो इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन उसकी जगह फिर हमने परसों रात को उसी जगह पर दोबारा मीटिंग की और बहुत सफल मीटिंग की। आपके जो यहाँ के विधायक रहे हैं हरिशंकर गुप्ता, चुनाव छोड़ करके बाहर गए हुए हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शिकायतें जा रही है कि वो मन से लग नहीं रहे हैं या उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो चुनाव में ऐसा होता रहता है। हरिशंकर, जहाँ तक मुझे पता है हरिशंकर गुप्ता जी को कांगड़ा की सीट का प्रभारी बनाया हुआ है, अनंत शर्मा जी के यहाँ वो गए हुए हैं, और उनके गुट के जो लोग हैं वार्ड अध्यक्ष हैं उनको सबको मैंने फ़ोन करके बुलाया है, वो सारे आ रहे हैं, कल भी थे, कल भी उनके साथ मीटिंग की गई है और सब काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी वार्ड अध्यक्ष हैं या जितने भी जो हरिशंकर गुप्ता जी ने मेंबर बनाए हुए हैं सब के सब लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत गुटबाजी देखो होती है, किसी के अंदर कोई मनमुटाव होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई वजह है जिसकी वजह से हम ये कहें कि वो लोग काम नहीं कर रहे। अभी राहुल गांधी जी की रैली हुई अशोक विहार में, शायद पहली बार वो राहुल गांधी यहाँ आए, चांदनी चौक सीट से जो प्रत्याशी हैं बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते थे, प्रचार करते, उनका होर्डिंग लगाते, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके इलाके के लोग आते, आपको नहीं लगता कि चूक गए वो रैली भी बड़ा चर्चा का विषय बनी रही? नहीं रैली कामयाब रैली रही, उसमें बोर्ड भी लगाए, हरिशंकर गुप्ता जी के बोर्ड लगे हुए थे। हाँ ये है कि हम उसको उसका प्रचार, क्योंकि समय कम था, शायद 18 की रैली थी और 16 को ही हमें पता लगा कि यहाँ पर रैली का प्रोग्राम है, और रैली के इंजाम में अब 16 की दोपहर को पता लगा, 17 सारा दिन हमारा उस रैली को ऑर्गेनाइज करने में लग गया, तो हम इस चीज़ में मैं मानता हूँ चूक गए कि हम उसको एडवर्टाइज इतना नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, आपने भी कवर की है, रैली शानदार रैली थी, बिल्कुल ग्राउंड भरा हुआ था, इतना बड़ा ग्राउंड। मैं यही तो कर रहा हूँ, उस शानदार रैली का जितना लाभ लेना चाहिए था जयप्रकाश अग्रवाल जी को नहीं ले पाए। नहीं ले रहे। अच्छा, आज हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही चर्चा होती है, राहुल गांधी जी की बड़ी कामयाब रैली रही, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने के यहाँ इतनी अच्छी रैली हुई, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वो है कि
कितनी अच्छी रैली जयप्रकाश जी ने अपने इस रैली के नसंदेह चर्चा है पूरी दिल्ली में, बहुत अच्छी रैली थी। और एक चर्चा ये भी है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक थे मंच पर, उनका दर्द ये कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। और बहुत सारे जो विधायक वहाँ पर नहीं थे या नेता नहीं थे, उनका दर्द यह है कि उस पूरे होर्डिंग में कहीं भी केजरीवाल जी की फोटो नहीं थी। नहीं, वो तो देखो, केजरीवाल जी का प्रोग्राम, तो केजरीवाल जी ने अगर आना होता तो शायद उनकी फोटो भी बहुत जोर शोर से लगाई जाती। बुलाया गया था क्या ऐसा आपकी जानकारी में? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सारे विधायकों को बुलाया गया। विधायकों को राहुल गांधी जी ने खुद अपने पास बुलाकर उनसे पूरी पब्लिक की इंट्रोडक्शन कराया। और क्या कहते हैं, ये कांग्रेस की रैली थी, कांग्रेस के लोग थे, हम ऑर्गेनाइजर हम लोग थे कांग्रेस के। तो फिर अगर ये कांग्रेस की थी, इंडिया गठबंधन की नहीं थी? नहीं, इंडिया, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर विधायक वहाँ क्या कर रहे थे? नहीं, विधायक इसीलिए तो थे क्योंकि इंडिया गठबंधन की के कैंडिडेट हैं हमारी। इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो जयप्रकाश अग्रवाल जी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, तो इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा कांग्रेस भी तो है। चलिए, आप ये तो मानेंगे कि सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है, और ये सब कुछ स्मूथ चले इसकी जिम्मेदारी लोकसभा प्रभारी की होती है। हमने तो प्रभारियों को ही देखा नहीं, क्या वो प्रभारी नजर रख रहे हैं इन सब स्थितियों? हाँ, बिल्कुल रख रहे हैं। कल भी मीटिंग की है प्रभारी जी ने, दोनों हमारे जो जिला, कौन है प्रभारी? जिला के हमारे अध्यक्ष हैं। मैं लोकसभा प्रभारी की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोकसभा की बता रहा हूँ, लोकसभा के जो हैं राजू जी हैं, वो पूरा कल उन्होंने पूरी मीटिंग ली है हमारे यहाँ। और सीपी जोशी हैं जहाँ तक मेरी जानकारी। जोशी जी तो शायद उसी दिन आए थे जिस दिन रैली थी, उसके बाद हमारे यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उन्होंने हमारे यहाँ की जिम्मेवारी राजू जी को सौंपी हुई है, और राजू जी लगातार हमारे साथ हमारे संपर्क में हैं और हमारे को समय समय पे पूरी गाइडेंस कर रहे हैं, सारा काम संभाल रखा है उन्होंने। चलिए, अब दो दिन बाकी बचे हैं प्रचार में, उम्मीद है कि कुछ अगर कुछ कमियां रह भी गई तो पूरी हो जाएंगी। हाँ, नहीं, कोई कमी नहीं है, ये हम उस बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है, क्योंकि कमी कोई नहीं है। अब आप कल हमारी रैली होगी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आए हमारी रैली में और देखें कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल रहेगा और हम जोर शोर से कितने। मुझे तो लगता है कि स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ कमी है, और खुल के कह भी नहीं पा रहे हैं कि नहीं कोई कमी नहीं है। नहीं, कमी है ही नहीं, मुझे नहीं दिखती। अगर है तो आप पत्रकार हैं, आप सारे में घूमते हैं, मैं तो अपनी निगाह से देख रहा हूँ, मेरी निगाह में कोई कमी नहीं है। भाई, आप पत्रकार हैं भाई, वो जैसे आपके वो जो विधानसभा के प्रभारी वही कह रहे भाई, कांग्रेस से हाथ तो मिलाया पर दिल नहीं मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा पूरा दिल मिला हुआ है। आपके जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्हीं का कहना है, मेरा थोड़ी कहना। आप पता नहीं वो किस रूप में कह रहे हैं, मैं इस बारे में उनके विचारों के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, ये तो अब किसी का विचार है, तो हो सकता है उनके विचार में ऐसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं देखो, जितने भी लोग मैंने आपको बताया ना, जितने भी हरिशंकर गुप्ता जी से भी जुड़े हुए जो उन्होंने बनाए हुए वार्ड अध्यक्ष, सब हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और जोर शोर से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई जोश की कमी है सब। और मैंने तो सबको फ़ोन करके खुद बात की है, और ऐसा कोई मुझे प्रतीत नहीं होता कि उन लोगों में अंदर किसी प्रकार का कोई गुटबाजी या ऐसा कुछ वो हो कि हमने काम नहीं करना है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता। चलिए, तो ये थे अनिल बंधु, साफ साफ इशारा तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं दबे जवान से ही कि हाँ दोनों तरफ गुटबाजी तो है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा इसकी उम्मीद भी ये कर रहे हैं। माहौल क्या होता है दो दिनों में, और इसकी भी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।